इसराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। जी हां, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आदेश मिलते ही ईरान पर मिसाइलों की बारिश होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइल की आर्मी ने नेतन्याहू को उन ठिकानों की लिस्ट सौंप दी है जहां पर इजरायली सेना हमला करेगी। टारगेट तय है, सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने हलचल मचा दी है। इसमें इसराइल के उस सीक्रेट मिशन के बारे में भी बताया गया है जो ईरान की बर्बादी की कहानी लिखेगा। जी हाँ, लगातार जो है ईरान की बर्बादी को लेकर इसराइल तमाम रणनीतियां बना रहा है। एक दो महीने या एक दो साल नहीं बल्कि 20 साल से इसराइल इस मिशन पर काम कर रहा है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए इसराइल ने अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए हैं। ऐसे ऐसे हथियार बनाए जिनका ईरान के पास कोई जवाब ही नहीं है। इसराइल के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं, ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें ट्रैक भी नहीं कर पाएगा ईरान। इनका खुलासा तब हुआ जब इसराइल ने इनमें से कुछ हथियारों को अन्य देशों को बेचा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इसराइल के पास जो सबसे घातक मिसाइलें और हथियार हैं जो सिर्फ ईरान के लिए बनाए गए हैं, उनका अभी तक खुलासा ही नहीं किया गया है। तो सोचिए कि जिन हथियारों को बनाया गया है ईरान की बर्बादी के लिए, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं या फिर वो कितने ताकतवर हो सकते हैं, जिनके बारे में ईरान को अभी तक कानों कान भनक भी नहीं है। पिछले महीने सामने आई थी कुछ तस्वीरें जब इसराइल ने तेल अवीव से 1800 किलोमीटर दूर जाकर यमन में हमला किया। उसने F-15 जेट्स को अपने हिसाब से डिजाइन किया है जो काफी मारक हो गया है। इसराइल से ईरान की दूरी भी लगभग इतनी ही है। ईरान पर हमला करना इतना आसान क्यों नहीं है ये भी जानिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी और बैलिस्टिक मिसाइल बेस जमीन के काफी अंदर बनाया है, इसीलिए इन्हें तबाह कर पाना इतना आसान नहीं है। तेल टर्मिनल उड़ा देना इसराइल के लिए काफी आसान होगा, लेकिन उससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा है। इसके अलावा ईरान के पास एक हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम है जो स्वदेशी है, हालांकि उनका अब तक परीक्षण नहीं हुआ है। क्या वो इसराइल मिसाइलों को रोक पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसराइल के पास क्या कुछ खास है ये भी जान लीजिए। इसराइल के पास अमेरिका से मिले ऐसे हाईटेक लड़ाकू विमान हैं जो 2 घंटे में उड़ान से लेकर तमाम चीजें करने में माहिर है। 2 घंटे की उड़ान भर सकते हैं, यानी कि 2 घंटे तक हवा में युद्ध भी कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर तक जाकर हमला करके लौट सकते हैं। इनमें F-151 से लेकर F-161 स्क्वाड्रन तक है। F-35 जेट्स के लिए डिटैचेबल फ्यूल टैंक इसराइल ने विकसित कर लिए हैं जो इन विमानों की रेंज काफी बढ़ा देते हैं। इसराइल ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी डेवलप कर ली हैं। उनके बारे में अब तक छिपाकर रखा गया है, लेकिन दावा किया जाता है कि मिसाइलें सुपरसोनिक स्पीड से 2000 से 3000 किलोमीटर तक मार सकती हैं। रडार की पकड़ से बाहर है। इसराइल के पास रैम्पेज मिसाइलें हैं। शुरू में इसे सिर्फ जमीन से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन बाद में इसराइल ने इसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च करने लायक बना लिया है। इससे इन मिसाइलों की स्पीड और रेंज काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें दुनिया का सबसे अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। ये मिसाइलें 150 किलोग्राम का वॉर हेड अपने साथ ले जा सकती हैं। इसराइल के पास रॉक्स मिसाइलें हैं जो सैटेलाइट और ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से लैस हैं। ये सुपरसोनिक स्पीड से वार करती हैं। ईरान की शाहब मिसाइल को ये टक्कर देती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जमीन के नीचे निशाने बनाने में सक्षम है। इसी मिसाइल से इसराइल ईरान के मिसाइल बेस को उड़ा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसराइल के पास सबसे घातक जेरिको मिसाइल है। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं दी गई है। माना यह जाता है कि इसे ईरान के लिए इसराइल ने डेवलप किया है। इसकी मारक क्षमता काफी सटीक है और काफी विध्वंसक भी हो जाती है। इसराइल के पास बंकर को उड़ाने वाले बम हैं।
इनसे भी ईरान के तेल कुओं को उड़ाया जा सकता है। ये पहाड़ों को चीरकर 4 मीटर नीचे तक घुसकर तबाही मचा सकते हैं। एक और घातक मिसाइल का जिक्र किया गया है जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन दावा है कि ये पॉपाई टर्बो क्रूज मिसाइल नेवी के लिए बनाई गई है। ये 1500 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकती है। इसे भी रडार से पकड़ पाना नामुमकिन है। तो सोचिए कि इसराइल के पास कितनी ज्यादा शक्ति है, कितनी ज्यादा ताकतें हैं। इसराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो वो चाहे तो ईरान को झट से खत्म कर दे, लेकिन अभी इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। फिलहाल ये तो तय है कि जैसे ही समय आएगा वैसे ही इसराइल बैक टू बैक हमले करने वाला है ईरान पर। ईरान को अभी जल्द से जल्द खत्म कर पाना इसीलिए भी मुश्किल है क्योंकि ऐसे कई डोम है ईरान के पास, ऐसे कई जो बने हुए हैं बंकर्स जो काफी नीचे तक हैं, वहां तक पहुंच पाना इसराइल के लिए अभी असंभव है। लेकिन जिस तरीके के मिसाइल्स और जिस तरीके के हथियार इसराइल के पास हैं, वो दिन दूर नहीं जब ईरान पर ताबड़तोड़ हमले होने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए बस नेतन्याहू के हाँ का इंतजार है, क्योंकि तैयारियां पूरी हो गई हैं।